राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नो प्रॉब्लम में। तो दोस्तों, आज हम बंसीलाल जी की जीवनी लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बंसीलाल जी का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलगढ़ गांव के अंदर हुआ और इनकी आरंभिक पढ़ाई इनके गांव में ही हुई और इन्होंने लॉ की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी जालंधर से की। इनकी राजनीति में रुचि थी, इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और 1959 से 62 तक ये जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। इन्हीं इनकी प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस ने इनको 1960 से 66 तक राज्यसभा में सदस्य भी चुना था। इसके बाद चौधरी बंसीलाल जी 1968 से 75 तक हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हुए। फिर इनको 1975 में दोबारा से केंद्र में ले जाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी और ऐसा लोगों का कहा मानना है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बंसीलाल जी काफ़ी महत्वपूर्ण विश्वास पात्र थे और संजय गांधी के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। इसी कारण से ये 1976 से 80 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहे और यहाँ पर उन्होंने रेलवे मिनिस्टर के रूप में भी काम किया। इस तरह से इनका देश की राजनीति में भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद ये 1980 से 84 पिचास 1985 से 86 और 1989 से 91 के बीच में संसद में लोकसभा के रूप में संसद में लोकसभा का सदस्य रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 1968 से 75 के बीच उनका पहला कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल 1985 से 87 तक था। तीसरी बार एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी HVP यानी कि हरियाणा विकास पार्टी अलग से बना ली। और इनका भी एक महत्वपूर्ण कहानी रही है कि इन्होंने शराबबंदी को मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इसी वजह से इन्होंने तीसरी बार 1996 से 99 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और ऐसा कहा जाता है कि ये हरियाणा के लौह पुरुष भी हैं और विकास पुरुष भी हैं, क्योंकि इन्हीं के समय पूरे हरियाणा देश में पहले नंबर पर था कि सभी गांव के अंदर बिजली आ चुकी थी। तो काफ़ी गर्व की बात भी है हरियाणा के लिए कि इनकी जो सरकार ने काफ़ी योगदान दिया है विकास की तरफ। चौधरी बंसीलाल जी ने 7 बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव जीते हैं और ये 1975 से 77 तक रक्षा मंत्री और रेलवे मंत्री भी रहे हैं और 2 महीने के लिए ये बिना किसी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और इनके हिसाब से इनकी सबसे बड़ी हार 1980 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर हुई, क्योंकि तब कांग्रेस सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से। यह क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा माना जाता है कि चौधरी बंसीलाल जी ने आपातकाल के दौरान जबरन लोगों की जो नसबंदी करवाई, जिससे विपक्षी पार्टी ने इनका खूब सारा इन पर तंज कसा और इस बात का फ़ायदा उठाकर चुनाव में इस्तेमाल भी किया। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी हार थी और जनता दल इसमें 85 सीटें जीत गया था। तो दोस्तों, इनकी फैमिली की बात करें तो इनके 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। एक लड़के की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान हो गई थी और इनकी मृत्यु 28 मार्च 2006 को हो गई। इन्हें नई दिल्ली में समाधि बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।
आगे हरियाण वीर छागे हरियाण किया आग से लगा दी दुमठा गे हरियाण वीर आगे हरियाण वीर छागे हरियाण किया आग से लगा दी दुमठा गे हरियाण।